गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड पोयम ज्योग्राफी लेसन. द नेम ऑफ द पोयम इज ज्योग्राफी लेसन एंड आई गॉट यू रिटन द समरी ऑफ द पोयम एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोयम, स्टैंजास ऑफ द पोयम एंड क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू द स्टैंजा ऑफ द पोयम. क्लियर? नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोयम. क्लियर? और लेट्स स्टार्ट. स्टार्टिंग में पोयम के जो समरी होती है वो दी होती है पोयम की. तो द लैंग्वेज ऑफ द पोयम इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द समरी ऑफ द पोयम वेरी क्लियरली. अच्छे से उसको समझ लेना चाहिए ताकि पोयम जो है हमें फिर उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो अच्छे से समझ आ जाए. ओके, तो समरी क्या है? व्हाट इज द समरी ऑफ द पोयम? ऊपर क्या पूछ रहे हैं पोयम के बारे में? कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लाइक लुक लाइक इफ यू सॉ फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड? अगर आप जमीन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर जो है कैसा लगेगा जब आप उसको 10,000 फीट की ऊंचाई से देखेंगे? जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से अगर आप अपने शहर को देखेंगे तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर कैसा दिखेगा? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन. कैसा दिखेगा वो? नीटली प्लान्ड. नीटली मीन्स बहुत अच्छे तरीके से, उमदा तौर पर उमदा तौर से व्यवस्थित दिखेगा. परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन. ज्यामितीय बनावट जो होती है उसकी तरह वो बिल्कुल आपको उत्तम अनुपात में दिखेगा. परफेक्ट मीन्स उत्तम और प्रोपोर्शन अनुपात. जैसे कि एक ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाते हैं ना हम, बिल्कुल उसको माप करके इतना इंच है, इतना इंच है, बिल्कुल एक ऐसी ज्योमेट्रिक डिजाइन की तरह आपका जो शहर है वो 10,000 फीट की ऊंचाई से दिखेगा. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. और ये जो है आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा. स्ट्राइक मीन्स अचानक से दिमाग में आएगा, आप उसके बारे में सोचेंगे. एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. के जब आप इसकी गहराई में जाते हैं, यू आर इन थिक ऑफ इट मीन्स गहराई में जाना. जब आप इसको गहराई से सोचते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं, तो आपको जो है असल में पता लगेगा कि स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम, कि ये जो है बिल्कुल अलग है, कुछ अलग है उससे, जब आप इसकी गहराई में जाकर सोचेंगे तो. हेयर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी. यहाँ आपको पोएट ने एक ऐसे ही शहर का जो दृश्य है वो उस दृश्य का वर्णन किया है. कि जब आप ऊंचाई से जाकर एक शहर को देखते हैं तो उस ऊंचाई से वो शहर आपको कैसा दिखाई देता है, उसी तरह का कुछ वर्णन जो है पोएट ने अपनी इस पोयम में किया है. एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड. और वो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं जो उसके दिमाग में आते हैं, पोएट के दिमाग में आते हैं. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पोयम. ये आपको पोयम के बारे में बताया था कि किस बारे में है पोयम, पोएट क्या कहना चाह रहे हैं. नाउ लेट स्टार्ट द पोयम. व्हेन द जेट स्प्रैंग इन टू द स्काई इट वॉज क्लियर Why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. Developed means विकसित होना. Jet aeroplane के लिए बोला हुआ है, ठीक है. Scaled होता है ऊंचाई के लिए बोला हुआ है. जब हम 6 मील ऊंचाई से जब हम इसको आसमान में वो जेट उड़ा और पोएट ने जो है 6 मील की ऊंचाई से जब शहर को देखा, it was clear कि ये उनको स्पष्ट हो गया था, क्लियर हो गया था व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट है, कि शहर जो है इस तरह से विकसित क्यों हुआ जिस तरह से वो है. मतलब उसकी जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है वो किस जिस तरीके से है, तो वो इस तरीके से क्यों बनी है, ये पोएट को जब वो एरोप्लेन जो है ऊपर हवा में आसमान में 6 inches टू द माइल आसमान में उड़ा और उच्च ऊंचाई से उन्होंने देखा, तो उनको ये स्पष्ट हुआ कि क्यों जो शहर है वो इस तरह से विकसित हुआ है जैसा कि वो है. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हफार्डवेल. मतलब वहां से जो है दिखाई दिया वो अनिवार्यता दिखाई दी उस बारे में. अनिवार्यता किस बारे में? अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हफार्डवेल, कि पृथ्वी से जब हम उसको देखते हैं, जैसे हम नीचे से ग्राउंड लेवल से देखते हैं तो अव्यवस्थता दिखाई देता है. गलियां हैं, मोड़ हैं, कहीं दुकान है, कहीं मकान है, तो वो वहाँ से देखें हफार्ज़र्ड मीन्स अव्यवस्थित एंड इनएविटेबिलिटी मीन्स अनिवार्यता. तो
उनको वहां पे उसकी अनिवार्यता समझ में आई कि क्यों वो जो शहर है वो इतना अव्यवस्थित है, अनप्लैंड है, मतलब अनियोजित है वो, एंड विदाउट स्टाइल, और बिना किसी स्टाइल के, मतलब कुछ कोई प्री प्लान नहीं किया हुआ है कि यहाँ जैसे कि डिजाइन बना दिए जाते हैं शहरों के व्यवस्थित तरीके से, प्लैंड वे में डिजाइन बना दिए जाते हैं कि यहाँ दुकानें होंगी, यहाँ पार्क होगा, यहाँ बिल्डिंग होगी। तो वहाँ अब वो टू पॉइंट ये सोच रहे हैं कि वो इतना अव्यवस्थित अनप्लैंड क्यों है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इन टू द स्काई, जब वो हवा में उड़ा तब उन्होंने देखा, नीचे से देखने पे बिल्कुल अव्यवस्थित सा लगता है, और ऊपर जब उनको हवा में जब वो एरोप्लेन गया और एरोप्लेन की विंडो से बाहर देखा पोएट ने, तब उनको ये समझ में आया। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट जो है वो एरोप्लेन जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, कि क्यों हमारे शहर जो है वो नदी जहाँ पर नदी बहती है वहाँ बसे हुए हैं, ज्यादातर जगह जो उन्होंने देखी कि पानी के पास, नदी के पास बसे हुए हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज हैं, वैली मीन्स घाटियाँ, पॉपुलेटेड मीन बसे हुए, कि लोग जो हैं नदी के पास या घाटियों में क्यों बसे हुए हैं। घाटी क्या होती है, दो पहाड़ियों के बीच में जो समतल भूमि होती है उसको घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों लोग जो हैं, शहर जो हैं वो नदी के पास या फिर घाटियों में बसे हुए हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, अब यहाँ पर ज्योग्राफी का लॉजिक आता है, रीजन आता है कि क्यों लोग नदी के पास या घाटियों में बसे हुए हैं। द लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि इंसान को जो है भूमि और पानी जो है आकर्षित करता है, वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड, डेलिनिएटेड मीन्स चित्रित हो गया, मतलब ये साफ तौर से अब हमें पता लग रहा है कि पानी और भूमि जो है वो इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर एरोप्लेन पहुंचा, तब ऑथर को, राइटर को ये लगा कि पानी और भूमि जो है वो मनुष्य को आकर्षित करते हैं, और इसी कारण से जो है मनुष्य जो है, इंसान जो है वो नदियों के पास या फिर घाटियों में ज्यादा बसे हुए हैं। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, अब जब वो एरोप्लेन जो है हवा में 6 मील ऊंचा ऊपर उठा, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, ये क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी जो है वो गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी स्पष्ट हो गया कि उसके जमीन से ज्यादा, धरातल से ज्यादा समुद्र है, मतलब पानी ज्यादा है भूमि पर, पृथ्वी पर। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट इज अदर, लेकिन ऑथर के लिए, राइटर के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था, मुश्किल था कि पृथ्वी पर जो है मनुष्य के पास क्या कारण है कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, शहरों के आर पार जो है, शहरों में उन्होंने दीवारें बना ली हैं, एंड टू किल, और एक दूसरे को मार रहे हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, उस ऊंचाई से ये नहीं स्पष्ट हुआ है, ये नहीं क्लियर हुआ है ऑथर को, राइटर को, कि क्यों इंसान जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं, अपने बीच में शहरों के आर पार जो है दीवारें खड़ी कर लेते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। मतलब जो ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है सिटीज का, शहरों का, इतनी ऊंचाई से एरोप्लेन से, वो तो क्लियर हो गया उनको, बट ये चीज ऑथर को क्लियर नहीं हुई है कि क्यों लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, बीच में एक दूसरे के दीवारें खड़ी कर लेते हैं शहरों के बीच में आपस में, और एक दूसरे को मारते हैं, ये ऑथर को क्लियर नहीं हुआ। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द पोयम, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एट द एंड लेट मी एक्सप्लेन यू शॉर्टली अगेन कि राइटर जो है, पोएट ऑफ द पोयम, वो जो है एरोप्लेन में ऊंचाई पे से अपने शहर को, कंट्री को देख, पहले शहर को देखा है फिर कंट्री को देख रहे हैं कि और अलग अलग ऊंचाई पे बताया, 6 इंचेस टू द माइल्स लिखा हुआ है पहले, फिर 10,000 फीट, फिर 6 माइल्स फीट, अलग अलग हाइट से जब उन्होंने देखा तो उनको समझ में आया कि लोग जो है क्यों नदियों के पास बसे हुए हैं या घाटियों में बसे हुए हैं, और नीचे से देखने पर तो शहर का जो डिजाइन है वो अव्यवस्थित सा लगता है, हाफ हजार्ड लगता है, बट ऊंचाई से देखें तो वो एक व्यवस्थित प्लान्ड लगता है, और इतनी ऊंचाई से ज्योमेट्रिक डिजाइन तो पत्थर को समझ में आ गया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए हैं कि क्यों लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी कर लेते हैं या एक दूसरे को मारते हैं। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द पोयम, इनफ फॉर टुडे।